हमेशा हम सेट में करते हैं आसन, एक फॉरवर्ड बेंडिंग किया तो एक बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, एक साइड किया तो हम दूसरी तरफ करते हैं मसल्स के साइड्स के मसल्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो हम बैकवर्ड आसन करेंगे, अर्धचक्रासन। ठीक है, तो इसमें हम हाथ को वेस्ट पे रखते हैं, पीछे हम कमर पे पूरी तरह से सपोर्ट देते हैं, पूरे कमर पे डिस्क के साइड में, कंधे हमारे सीधे रखते हैं, है ना। सांस को भरते हुए हम धीरे धीरे कमर को सपोर्ट करते हुए गर्दन से पीछे जाते हैं, घुटने सीधे रहेंगे, पीछे जा कर के पूरे कंधों को नीचे छोड़ देते हैं और इसे मेंटेन करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। इसे सांस को भरते हुए वापस ऊपर, सांस को छोड़ते हुए हम हाथ को छोड़ेंगे। बहुत धीरे से करें, बहुत आराम से करें, एक्सर्ट ना करें, सब करने का प्रयास करें। कम टू स्थिति, दोनों पाम्स को पूरा फॉर्मली, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कमर को पूरी तरह सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम जाएंगे, आपके कमर में दर्द नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। पैर साथ में रहेंगे, ऐसी ही पोजीशन होती है जिससे हमारा स्पाइन इंक्लाइन रहता है एक ही सेट में और पूरा उसका स्ट्रेच हो पाता है स्पाइन की एक्सरसाइज। अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो बैक की मसल्स भी ऊपर नीचे खींचेंगी तो उससे आपको बैक पेन हो सकता है। किसी किसी को उसमें कंफर्टेबल रहता है, बट हम इस आसन को इसी पोजीशन में करते हैं। ठीक है, तो करिए, पहले हमारे कमर को पूरी तरह सपोर्ट दे लें, पूरी तरह से फिक्स कर लें हाथ को, कंधों को पीछे कर लें। अब श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, धीरे धीरे पीछे जाएं, फिक्स करें कमर को, लंबी गहरी सांस के साथ मेंटेन करें, मेंटेन। 3, 2, 1, सांस को भरते हुए ऊपर आए, धीरे से सांस को छोड़ें और हाथों को छोड़ें, धीरे से हम स्टैंडिंग रिलैक्सेशन में जाएं, लंबी गहरी सांस के साथ बदलाव महसूस करें। अर्धचक्रासन, स्टैंडिंग चक्रासन, एक चक्रासन लेट कर भी किया जाता है, पूर्ण चक्रासन जो होता है, और इसको हम खड़े रह के भी पूर्ण कर सकते हैं वॉल सपोर्ट के साथ। इसके फायदे क्या क्या हैं आपने महसूस किया होगा कि सबसे ज़्यादा हमारी बैक की मसल्स पे प्रेशर आया, लो बैक मसल्स पे हल्का सा प्रेशर अपर बैक और नेक पे था, बाकी प्रेशर था थोड़ा हमारे हाथ की मसल्स पे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कमर की मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, टोनिसिटी प्रोवाइड करता है, मजबूती। यूजुअली हमारे पोस्चर्स में भी आपने देखा होगा, हम जैसे हाइट बढ़ जाती है, हम या चेयर पे बैठे रहते हैं तो पोस्चर में क्या डिफॉर्मिटी सबसे पहले आती है आपके, हाँ ठीक है, तो इस तरह से कंधे झुक जाते हैं और हमारी गर्दन थोड़ी आगे की ओर इंक्लाइन हो जाती है। ठीक है, इसी के कारण हमारे बैक की इस सेट्स पे, नेक की ट्रेपेजियस मसल, लो बैक की जो हमारी मसल्स हैं, इन पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता रहता है, तो ये धीरे धीरे वीक हो जाती हैं। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो इसीलिए हमारे, अगर मसल वीक हो गई तो हमारे डिस्क जो है इंटरवर्टिबल डिस्क, इन पे थोड़ा सा दबाव बढ़ने लग जाता है, प्रेशर, तो इसमें जो हमारे इंटरवर्टिबल डिस्क है वो हमारे स्पाइन पे टच होने लग जाती है, पोस्टीरियर थोड़ा सा बल जा जाता है, तो उसी के कारण हमारे कमर की सारी दिक्कतें, बीमारियाँ स्टार्ट होती है। अगर हमारी कमर की मसल्स बिल्कुल मजबूत रहेंगी, स्ट्रेंथ रहेंगी, तो हमें वो सब पेन नहीं होंगे। अगर हुए आपके ओवर एक्सर्शन के कारण तो मस्कुलर स्पैज़म होएगा, वो रिलीव हो जाता है इमीडिएट। सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो भी आप जितना स्ट्रेच हम अभी कर पा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम करें, इसको यहाँ सपोर्ट दे के थोड़ा सा कर सकते हैं, नेक को थोड़ा सा इतना इस 45 डिग्री एंगल पे आप ले जा सकते हैं और इस पे आप रख के मेंटेन कर सकते हैं। अगर पोस्टीरियर डिस्क बल्ज है तो आप पीछे ले जा सकते हैं, पर कभी कभी जो डिस्क बल्ज है वो आगे की तरफ भी होता है, जो इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग हम अवॉइड करने को कहते हैं।